के राइड वे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, जो CBSE बोर्ड हो या फिर UP बोर्ड हो। तो दोस्तों, इस समय आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पीरियाडिक टेबल, जिसको हार्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसे ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद से भी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो तभी हमको अच्छे समझ आए, अदरवाइज समझने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, मैं कल आपको बताया था डेवी राइनर का त्रिक नियम। डेवी राइनर का त्रिक नियम क्या था? जो एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट के क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो क्या होता था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है और लास्ट एलिमेंट का जो है एटॉमिक वेट का जो है, दोनों का एडिशन का आधा जब करते हैं, यानी योग का आधा करते हैं, तो बीच वाले तत्व का क्या होता था, अर्धभार निकलता था। इसलिए किसका नियम था, ये डेवी राइनर का त्रिक नियम। यानी तीन तीन के ट्रायड्स लेते थे, पहले तत्व और लास्ट तत्व का क्या करते थे, अर्धभार का आधा करते थे, तो पहला वाला बीच वाला तत्व हमको प्राप्त हो जाता था। उनके कुछ और दोस्तों ट्रायड है, हम कल आपको बताए थे क्या, एल्केन यानी एल्किल मेटल यानी क्षारीय धातु बताए थे। आज हम आपको बताएंगे एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, मेटल जिसे बोलते हैं दोस्तों क्षारी मृदा धातु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्षारी मृदा धातु, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारी मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षारी मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल जिसे बोलते हैं क्या, क्षारी मृदा धातु। दोस्तों इसे क्षारी मृदा धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको मिट्टी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए क्षारी मृदा धातु बोलते हैं। क्योंकि किससे प्राप्त किया जाता है, मिट्टी से प्राप्त किया जाता है इन तत्वों को, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्षारी मृदा धातु बोलते हैं। दोस्तों इसकी जो वैलेंसी, इस क्षारी मृदा धातु के तत्व है वो बे म का सर बा, ठीक है। बे यानी बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, बेरियम और रेडियम, यहाँ बेरियम होगा, ठीक है, हमारा क्या है, बेरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और हमारा बेरियम और क्या है, रेडियम है, ठीक है। तो ये कौन सा धातु है, हमारा क्षारी मृदा धातु है। कौन सा, क्षारी मृदा धातु है। कौन सा दोस्तों, क्षारी मृदा धातु है। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्व को जो ट्रायड्स लिया था, पहले इसमें क्या किया, इन्होंने क्या किया, तीन तत्व लिया था, को कैल्शियम लिया और क्या लिया, स्ट्रांसियम लिया और इसने क्या लिया, बेरियम लिया, ठीक है। इन कैल्शियम का जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, अर्धभार जो होता है 40 पॉइंट कितना होता है, 1 होता है। स्ट्रांसियम जो होता है 87.6 होता है और हमारा बेरियम का होता है 137.3 होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट तत्व और लास्ट तत्व लेते हैं। फर्स्ट तत्व हमारा कितना है, 40 पॉइंट कितना है दोस्तों, 1 है, प्लस लास्ट तत्व कितना है, 137.3 है, अपन ऐड करेंगे, टू का डिवाइड कर देंगे, यहाँ से दोस्तों 4 पॉइंट या कितना आएगा, 314 हो जाएगा, ऐड करेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 077 हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे 43 कितना, 7 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो दोस्तों डेसिमल एक डिजिट पे लग जाएगा, अपन ने टू कर देंगे, ठीक है मेरे साथियों। अब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 2 8 जा 16, 1 बार टाइम्स जाएगा, फिर 2 8 जा 16 आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, फिर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, 2 7 जा कितना, 40 आएगा। तो दोस्तों यहाँ आना कितना चाहिए था, यहाँ आना कितना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर आना चाहिए था 88.7 आना चाहिए था, ठीक है। तो लगभग क्या है, एक डिजिट यानी एक डिजिट आगे पीछे है तो उतना दोस्तों चल जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा,
यानी फर्स्ट तत्व जो है और लास्ट तत्व का जो है योग, परमाणु भार का योग का जो आधा है वो बीच वाला तत्व है, यानी नियर अबाउट स्ट्रॉन्शियम कितना होगा 87.6 यानी 88.7, यानी लगभग क्या होता है बराबर है, लगभग क्या है बराबर है। अब मैं दोस्तों आपको ले जाता हूँ हैलोजन फैमिली की, किसकी हैलोजन फैमिली की, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है हैलोजन ग्रुप, क्या दोस्तों हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जिसे बोलते हैं दोस्तों हैलोजन समूह, क्या बोलते हैं हैलोजन समूह, हैलोजन समूह में दोस्तों हमारा जो आवर्त सारणी में होता है ये 17वें ग्रुप में रखा गया है, जिसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है, ठीक है दोस्तों। इनका जो होता है, इनका जो होता है वैलेंसी जो होता है -1 होता है, इनका जो वैलेंसी होता है वो -1 होता है। अभी जो अर्थ मेटल जो बताए थे उसका वैलेंसी कितना होता था +2 होता था, कितना होता +2 होता था, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी दोस्तों कितना होती है -1 होता है, वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों -1 होता है। इसमें दोस्तों तीन तीन तत्व का जो ट्रायड्स ले रहे हैं, मानो क्लोरीन हमने ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और क्या लिया आयोडीन लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लिया, ठीक है। क्लोरीन का दोस्तों हमारा 35.5 होता है, कितना होता है 35.5 होता है, कितना इसका अणुभार होता है। अब ब्रोमीन की बात करते हैं दोस्तों 79. कितना होता है 9 होता है, और आयोडीन की बात करते हैं दोस्तों 126. कितना होता है 9 होता है, कितना होता है दोस्तों 9 होता है। अब बात करते हैं इन दोनों क्या करेंगे ऐड करना है, यानी क्लोरीन की परमाणु भार को दोनों क्या करेंगे दोस्तों हम ऐड करेंगे, यानी 126.9 प्लस में करेंगे 35. कितना करेंगे 5 करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है दोस्तों 9514 के 4 आएगा, 6511 का एरिए 12 आएगा, और यहाँ पर 2351 का एरिए 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर लगा लिए, अब क्या करेंगे दोस्तों इनको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, 2 से जब डिवाइड कर 28 या कितना 16 आ जाएगा, 28 या 16, फिर यहाँ से 21 या 1 हो जाएगा, फिर 22 या 4 हो जाएगा, 22 या 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ कितना आना चाहिए 79.9 आना चाहिए, कितना आ रहा है 81.2, तो दोस्तों नियर अबाउट 1 या 2 डिजिट लगभग आसपास में आता है, यानी पहला तत्व और जब अंतिम तत्व के अणुभार का योग का आधा करते हैं तो बीच वाला तत्व क्या होता है, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है बराबर होता है। किसका नियम था दोस्तों डे वेराइनर का त्रिक नियम था। लास्ट हमारा एक दो है दोस्तों, क्या है ऑक्सीजन फैमिली, क्या है ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है दोस्तों, जिसे ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार दोस्तों देखते हैं आगे। इसमें ऑक्सीजन परिवार हमारा क्या होता है दोस्तों ओ स सी टी ओ, हमारा दोस्तों होता है कौन कौन तत्व हो जाते हैं यहाँ पर, एक हमारा क्या होता है ऑक्सीजन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर होता है, फिर सेलेरियम होता है, फिर टेलेरियम होता है, फिर क्या होता है पोलोनियम होता है, क्या होता है पोलोनियम। ये आवर्त सारणी में जो रखा गया है इनकी जो बैलेंसी दोस्तों होती है, इनकी बैलेंसी जो होती है दोस्तों कितना होती है, बैलेंसी -2 होता है, कितना होता है माइनस, कितना होता है 2 होता है, इनकी बैलेंसी कितना होती है -2। अब बात करते हैं दोस्तों तीन तत्व रखे सल्फर, सेलेनियम और क्या रहता है टेलोरियम, सल्फर सेलोनियम और सेलेरियम, सेलेनियम और टेलूरियम रखा गया तीन तत्व। सल्फर का जो होता है हमारा क्या होता है एटॉमिक वेट होता है, यानी परमाणु भार जो होता है 32.06 होता है। और बात करते हैं दोस्तों आपका जो सेलेनियम होता है 78.3
96 होता है और इसका होता है 127.60 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पहला तत्व और लास्ट तत्व का योग का आधा करेंगे। फर्स्ट तत्व हमारा कौन सा है, फर्स्ट तत्व हमारा कौन सा है दोस्तों, यहाँ से इसको तो दोनों का ऐड करते हैं तो 32.06 प्लस 127.60 अपान में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, अपान में कितना करेंगे, 2 करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 000 हो जाएगा, 066 हो जाएगा और ये भी कितना दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 कितना होगा 9 हो जाएगा और 23 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट यहाँ पर होगा, अपान डिवाइड बाई 2 करेंगे तो दोस्तों जब डिवाइड करेंगे 271 जा 14 कैरी 1 आएगा, 29 जा कितना होगा 18, 29 जा 18 फिर 28 जा 16, 28 जा 16 और 23 जा 6 तो दोस्तों नियर अबाउट ये कितना आ जाएगा 79.83। एक्चुअल में आना कितना चाहिए दोस्तों 78.96 होना चाहिए था, तो यानी लगभग ये भी कितना होगा इसके बराबर हो गया। ठीक है, यानी एक ही डिजिट का अंतर है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है, नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा आता है आपका नाइट्रोजन फैमिली, कौन सा आता है दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली आता है नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है नाइट्रोजन फैमिली, क्या है नाइट्रोजन फैमिली जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार हमने नाइट्रोजन लिया, फास्फोरस लिया और के लिए आर्सेनिक लिया। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो हमारा इसका अणुभार जो हमारा कितना 14 होता है और इसका फास्फोरस का कितना 30 होता है और इसका आर्सेनिक होता है 74.9 होता है 74.9। अब दोस्तों फर्स्ट और लास्ट तत्व देखते हैं, फर्स्ट तत्व हमारा कितना है 40, लास्ट तत्व कितना है 74.9 है। अपान दो का जब डिवाइड करेंगे यहाँ से कितना हो गया 9 आएगा। ठीक है, 4 कितना हो जाए 8 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा 7.8 हो जाएगा, अपान 2 हो जाए, डिवाइड करेंगे तो 2 4 जाए 8 2 4 जाए 8 2 2 2 4 जाए 8 और 2 5 जाए 10 यानी 44.45 आएगा। कितना आना चाहिए 44.45 आना चाहिए, यानी 30 आना चाहिए तो कितना 44.5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से इसका लिमिटेशन क्या होता है फिनिश हो जाता है, क्योंकि इसका जो काम कहाँ किया था मात्र ऑक्सीजन फैमिली तक किया था, ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन फैमिली जब गया तो इसका क्या हुआ, इनका नियम फॉलो नहीं किया, किसका डे वेराइन का त्रिक नियम फॉलो नहीं किया। इसके बाद से कौन आया हमारे न्यूलैंड का अष्टक नियम, कौन आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्या है न्यूलैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ से हो सकता है डेविड राइनक त्रिक नियम आए या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आए, कोई एक नहीं एक जरूर आता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या पता है, जो न्यूलैंड थे वो हमारे क्या थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, कौन थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, कौन थे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1866 में अपना नियम दिया। कब 1866 में अपना नियम दिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं इनको क्या है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो जो फर्स्ट तत्व था प्रत्येक लास्ट तत्व जो होता है फर्स्ट तत्व के साथ क्या कहता है समानता रखता है, यानी प्रत्येक जो एट्थ एलिमेंट है, एट्थ जो एलिमेंट है एट्थ
सिमिलरिटी रखता है टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो प्रत्येक आठवां तत्व है अपने पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है। प्रत्येक आठवां तत्व जो है अपने पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ क्या करता है, समानता रखता है। इन्होंने दोस्तों बोला था कि जो तत्व है जिनके गुण धर्म या रासायनिक गुण एक दूसरे से मिलते जुल रहे हैं, तो प्रत्येक आठवां तत्व जो है अपने पहले वाले तत्व के साथ क्या करता, समानता रखता है। इसके संगीत के लेटर सारे गामा पा धा नि सा के रूप में भी लिखा सकता है। जैसे दोस्तों क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के बाद जो आठवां तत्व होगा वो पहले वाले तत्व के साथ समानता रखेगा। इस तरीके से इन्होंने नियम दिया, क्या दिया, इसका जो पहला तत्व दोस्तों क्या हमारा क्या है, हाइड्रोजन। इसका जो पहला तत्व हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। इसका पहला तत्व हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। और लास्ट तत्व दोस्तों क्या है, थोरियम। इनका लास्ट तत्व जो है थोरियम। इनके आवर्त सारणी में यानी पीरियडिक टेबल टोटल 56 तत्व खोजे गए हैं। कितने तत्व पर काम किया था, 56 तत्व पर, यानी 56 तत्व पर इन्होंने क्या किया था, काम किया था। कितने एलिमेंट्स पर, 56 एलिमेंट पर, यानी कुल मिला के 56 तत्व पर इन्होंने क्या क्या काम किया था, कितना, 56। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या होता था कि संगीत का जो पहला तत्व जो था आठवें तत्व के साथ क्या करता था, समानता रखता था। जैसे सारे गामा पा धा नि सा, यानी जो हुआ लास्ट, जो लास्ट पहला वाला तत्व है जो आठवें वाले तत्व क्या करेगा, समानता है। यानी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ समानता रखेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ समानता, लिथियम सोडियम के साथ रखेगा, बेरेलियम मैग्नीशियम के साथ समानता रखेगा, और हमारा बोरान एल्यूमिनियम के साथ रखेगा, कार्बन सिलिकॉन के साथ रखेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ रखेगा, ऑस्मिय ऑक्सीजन सल्फर के साथ रखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो जो क्या है, सब प्रत्येक आठवां तत्व जो है अपने पहले वाले तत्व के साथ क्या करता है, समानता रखता है। प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है, क्योंकि इसके क्या होता है, गुण क्या होता है, समान होते हैं। इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए क्या है, इसको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और फिर इन्होंने क्या किया, कैल्शियम क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम, फिर क्रोमीन थैलियम मैग्नी आयरन, फिर कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक यट्रियम इंडियम ऑस्मियम और सेलेनियम, फिर इन्होंने ब्रोमीन रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम सेरेनियम लंथेनियम जिरकोनियम टर्मस्टियम और मोलिडीनम रोथियम रूडियम, फिर पैलेडियम सिल्वर कैडमियम यूरेनियम टिन एंटीमनी, फिर आयोडीन, फिर टेल्यूरियम सीजियम बेरियम वेडेनियम और टेंटेलम टंगस्टन नायोबियम और हमारा गोल्ड आ गया, प्लेटिनम इरिडियम ऑस्मियम मरकरी थैलियम लेड बिस्मत और थोरियम। तो दोस्तों हमारा पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा हमारा, हाइड्रोजन हुआ। और लास्ट तत्व हमारा क्या हुआ, इसमें लास्ट हमारा क्या, थोरियम। दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह आता है, न्यूलैंड का फर्स्ट तत्व कौन सा है, तो क्या बताया, हाइड्रोजन। लास्ट तत्व हमारा कौन सा है, थोरियम। लास्ट तत्व कौन सा हमारा, थोरियम है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने क्या किया था, और इनकी जो यहाँ पर जो सीमाएं होती हैं, यहाँ पर सीमाएं, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 40.1 होता है, यानी इसको बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। पोटेशियम कैल्शियम फिर स्कैंडियम होना चाहिए था, फिर यहाँ तक इसका सामने, इस यहाँ तक इसका क्या हुआ, फॉलो हुआ, तो यहाँ क्या होगा, स्कैंडियम, फिर
कैल्शियम इसका इंडिया टाइटेनियम आता है, क्रोम इनडायरेक्ट आ गया, तो इसका नियम कहाँ तक फॉलो हुआ दोस्तों, कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ। फिर यहाँ पर जो होता है आयरन, जो आयरन के साथ क्या होता है, निकिल कॉपर की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इसके इससे दूर रखे गया है। इन्होंने क्या किया, आयरन और निकिल कोबाल्ट को क्या करिए, एक दूसरे से दूर रख दिया, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी एकदम सेम है, आयरन निकिल कोबाल्ट की इन तीनों प्रॉपर्टी सेम है। इन्होंने क्या किया, इसका जो इन तत्वों को क्या किया, अलग अलग रख दिया। नेक्स्ट इनकी मिस्टेक क्या थी दोस्तों, इन्होंने एक आवर्त में यानी एक समूह में दो तत्वों को रख दिया, जैसे कॉपर और निकिल को एक साथ रख दिया, इसी तरीके से यहाँ प्लेटिनम और रेडियम को एक साथ रख दिया, सीरियम और लैंथेनम को एक साथ रख दिया, तो इन्होंने क्या किया, दो दो तत्वों को एक साथ रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ से इनकी तत्व क्या है, इनकी प्रॉपर्टी जो दूसरा एक दूसरे के सेम नहीं है, तो इनको क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया है। थैलियम, इंडिया, जिरकोनिया और टिन का इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इन्होंने क्या किया था, इसको एक ही ग्रुप में रख दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको एक ही ग्रुप में रख दिया था। इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी दोस्तों, क्या हुआ, इनका नियम क्या था, संगीत का जो फर्स्ट जो है यानी प्रत्येक एट एलिमेंट है, प्रत्येक आठवां तत्व है, पहले वाले तत्व के साथ क्या करता है, समानता रखता है। प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ क्या करता है, समानता रखता है। कौन, प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है। याद करने का जो इसका जो संगीत के स्वर के साथ मिलता है, इसका जो याद करने का जो हमारा क्या है, प्रत्येक आठवां तत्व जो है संगीत के पहले वाले तत्व के साथ समानता रखता है, जैसे सारे गामा पा धानी सा, फिर वही यहाँ आ जाएगा पहले वाले तत्व के साथ, यानी सारे गामा पा धानी सा, ठीक है। तो ये संगीत के स्वर के साथ क्या करता है, समानता रखता है। कौन, प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ क्या करेगा, समानता रखेगा। तो यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि पहला तत्व हमारा क्या हाइड्रोजन, लास्ट तत्व हमारा क्या थोरियम, कहाँ तक ही फॉलो किया, इसका न्यूलैंड का अष्टा नियम कैल्शियम तक, उसके बाद से आगे आना चाहिए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, तो यहाँ पे तुरंत क्रोमियम आ गया, और आना चाहिए क्रोमियम, कैल्शियम इसका एंडियम आना चाहिए, तो क्रोमियम डायरेक्ट रख दिया, यहाँ पे इसका नियम फेल हो गया। सेकेंड बात क्या है, इन्होंने एक ही ग्रुप में दो तत्व को रख दिया, फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारा टिन है, इंडियम, जिरकोनियम और क्या है टिन, इसको क्या किया, इनकी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी, फिर भी इनको एक में रख दिया, यानी इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मिस्टेक किया, ठीक है, जिनका परमाणु, और इन्होंने क्या बोला कि लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक इन्होंने क्या किया कि बोला कि जो 56 तत्व है इस पीरियाडिक टेबल में मात्र 56 ही रह जाएंगे और आगे नहीं खोजे जा सकते हैं। क्या बोला कि इस नियम के, न्यूलैंड ने अपने नियम में बोला कि अभी तक जो है टोटल 56 एलिमेंट का खोजा गया है और आगे ना इसका खोजा जाएगा, नहीं बस 56 ही रह जाएंगे, आगे इसका तत्व की खोज नहीं हो सकती, तो इनका नियम यहीं पे फेल हो गया। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं अब तक टोटल 118 तत्व की खोज हो चुकी है, कितनी, 118 तत्व की खोज हो चुकी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा कि 56 तत्व है तो 56 तत्व ही रह जाएंगे, तो दोस्तों इनका नियम यहीं पे फेल हो गया, इनका नियम यहीं पे फेल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग याद करना, मतलब याद रखना कि इसी तरह इसका नियम है, क्योंकि आपके बुक में आधा ही पीरियडिक टेबल रखा है, तो हमने क्या है इसको पूरा बना